नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। देश में लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव होगा। कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं एनडीए ने ओम बिड़ला को उम्मीदवार बनाया है। कल लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। स्पीकर पर विपक्ष और एनडीए में सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद एनडीए ने दूसरी बार ओम बिड़ला को स्पीकर पद के लिए मैदान में उतारा है। अगर वो चुने जाते हैं तो वो दूसरी बार, वो पहले ऐसे सांसद होंगे जिन्हें दूसरी बार स्पीकर बनने का मौका मिलेगा। तो के सुरेश ने नामांकन किया है, केरला से सांसद हैं के सुरेश, और के सुरेश अब विपक्ष की ओर से उम्मीदवार है ओम बिड़ला के सामने। विपक्ष ने उन्हें बतौर अपना उम्मीदवार उतारा है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को देने पर सरकार राजी नहीं हुई और इसीलिए विपक्ष को मजबूरन अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा है। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो वो लोकसभा के। रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। विपक्ष ने उम्मीदवार को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा, राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी ने ऐसे, जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं, कल से लेकर आज तक उनसे तीन बार हमारी बात। तो वही लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओम बिड़ला ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि परंपराओं और संविधान को हमेशा कांग्रेस ने बदनाम करने की कोशिश की है। ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे हमें पूरा विश्वास है, और जो गरिमापूर्ण पद है उसको वो सुशोभित करेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का जैसा मैंने अभी कहा कि माननीय परंपराओं को और संविधान को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमेशा उंगली उठाई, केस हार गए तो न्यायालय पे, चुनाव हार गए तो ईवीएम पे, सेना पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, देश पे सवाल, विदेश में राहुल गांधी जाए तो उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो यही करेंगे। तो संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस हमेशा उंगली उठाती रही है, कांग्रेस से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो स्पीकर पर आर पार हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष शर्मा हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के भी हम जल्द ही जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा यहाँ पर सरमन नगेले जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष की ओर से भी अपना उम्मीदवार उतारा गया है, जाहिर तौर पर जो नंबर्स हैं वो एनडीए के फेवर में हैं, तो जिस तरह उम्मीदवार जो उतारा गया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
प्रणय जी, इंडिया गठबंधन ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है उसके पीछे उनकी मंशा यही है कि जो डिप्टी स्पीकर रहते हैं लोकसभा के, उस पर यदि सहमति हो जाती तो वो उम्मीदवार नहीं निकालते। लेकिन उन्होंने उतारा है तो कहीं उनको लगा होगा कि नहीं, हमारे पक्ष में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं जाएगा। और ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा के अध्यक्ष का, ये मैं इसमें पूरे एक संदर्भ आपको दे दूं अपर्णा जी, आपके दर्शकों भी कोई इसकी जानकारी रहना चाहिए कि देखिए, जो स्पीकर का पद है अपने भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से आई है, और स्पीकर का पद जो है ना ब्रिटेन से, ब्रिटेन की भाषा के बाद से प्रचलन में भारत में आया है, वहीं से स्पीकर का पद आया है। और भारत में स्पीकर के पद का बहुत महत्व होता है, वो सभा का सभापति होता है, वो सदन को संचालित करते हैं, वो कार्यप्रणाली सदन की चलाते हैं, वो सदन के सदस्यों के संरक्षक होते हैं, वो सदन के सभी दलों के एक सर्वमान्य अध्यक्ष के रूप में रहते हैं, उन पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगता है, और सदन के अंदर वो जो भी निर्णय लेते हैं वो सदन के सर्वोच्च हैं, उनके निर्णयों को सदन के अंदर कोई चुनौती नहीं दी जाती है। यह बात अलग है कि जब कभी कोई दल बदल का विषय आता है तो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कहते हैं कि पहले आपने अपने स्पीकर का निर्णय आ गया या नहीं आया। जब तक स्पीकर का निर्णय नहीं आता है यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का, तब तक सुप्रीम कोर्ट भी किसी के मामले में इंटरविंग नहीं करता है जो अध्यक्ष के निर्णय होते हैं। और अध्यक्ष जो लोकसभा के रहते हैं स्पीकर, वो उनका निर्णय को सभा में कोई किसी तरह का आक्षेप या कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं होती है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य किसी तरह की प्रिविलेज या कुछ इस तरह के आचरण करता है जो असंसदीय रहते हैं, तो अध्यक्ष उनको दंडित भी कर सकते हैं। अध्यक्ष के अधिकार सदन के अंदर असीमित अधिकार हैं, उनको सदन के अंदर कोई चुनौती नहीं दी जाती है। इसके साथ में एक चीज मैं और बताऊं, देखिए जो स्पीकर रहते हैं, यहां से ये विवाद क्यों हो रहा है, मैं विवाद के संदर्भ में बताना चाह रहा हूं। विवाद या जो चुनाव हो रहे हैं उसके पीछे कारण है कि लोकसभा अध्यक्ष जब आपका रहता है या राज्य में या केंद्र में, तो यदि आपका नंबर गेम कम है, जैसे कि पार्लियामेंट में ये हंग असेंबली है, हंग पार्लियामेंट है, हंग पार्लियामेंट के कारण क्या बीजेपी के पास 240 हैं और कुल मिलाकर उनके 300 के लगभग पहुंचते हैं, लेकिन सरकार गिरने का संदेह, डर, हमेशा शंका बनी रहती है। और दो स्थितियों में सरकार गिरती है। पहला यह है कि जब विपक्ष जो है ना अविश्वास प्रस्ताव लाए, और यदि संख्या बल के आधार पर रूलिंग पार्टी के उतने सदस्य उस समय नहीं है, तो हालांकि उसकी सूचना पहले दी जाती है इसलिए वो मैनेज हो जाता है। हाँ। दूसरा, जब अनुदानों की मांगे होती है, वित्तीय मामले आते हैं, बजट पारित होता है, और उस समय यदि विपक्ष जो है ना डिवीजन की मांग करता है और सत्ताधारी दल के उतने सदस्य संख्या नहीं रहती है, तो उस दौरान सरकार गिर जाती है। ये दो ऐसे नियम है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल जिसकी सत्ता रहती है वो अध्यक्ष अपने पास रखता है, क्योंकि उनको उस समय बहुत सारी चीजों को सदन के अंदर मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जो सदन में निर्णय होता है वही सर्वोच्च होता है, उसके बाहर जो निर्णय होते उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि सदन जो है ना नियम प्रक्रियाओं, कॉल एंड सकदर और भारत के संविधान के तहत चलता है। देखिए, हाँ। एक पुस्तक है अपर्णा जी, इस पुस्तक में जो है ना ये सारी चीजों का उल्लेख है जो मैं जो संदर्भ दे रहा हूं, बहुत सारे नियम, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे कानूनों का इसमें उल्लेख है। ठीक है, अब आती हूँ आशीष जी आपके पास। जो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया गया है कि यहाँ पर कई बार फोन वापस कॉल बैक करने की बात कही थी राजनाथ सिंह की ओर से, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को वापस से फोन नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर विपक्ष चाह रहा है लेकिन उसको लेकर भी आपने सही जवाब नहीं दिया। देखिए अपर्णा जी, स्पीकर का चुनाव होने जैसी स्थिति कांग्रेस के कारण बन रही है। वो पार्टी कानून, संविधान और परंपराओं की दुहाई दे रही है जिसने इन तीनों की हत्या की है। आज 25 जून है, वो दिन है जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश में आपातकाल को लागू किया था। आपातकाल के रूप में इस देश के संविधान की भी हत्या की गई थी। स्वच्छ विपक्ष के प्रति जो नजरिया होता है उस नजरिए को भी आज के दिन चोट पहुंचाई गई थी। और इसलिए यदि आज कांग्रेस स्पीकर के चुनाव में बात कर रही है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए
भारत की सरकार आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ओम बिरला जी निसंदेह स्पीकर बनेंगे। सदन आपसी सामंजस्य से चलता है, पक्ष विपक्ष के संतुलन से चलता है और इसलिए पहले स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे। यदि स्पीकर के चुनाव में कांग्रेस मान्य परंपराओं का पालन करती है कि स्पीकर जो है वो सर्वमान्य रूप से निर्वाचित है हो जाए और उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं रहे, तो फिर जो सत्ता पक्ष है या जो एनडीए है वो भी इस बात पर विचार कर सकता है। लेकिन अभी अगर कांग्रेस ने अपने इंडिया गठबंधन के द्वारा एक प्रत्याशी को स्पीकर के लिए खड़ा किया है तो फिर पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए, उसके बाद ही मेरे ख्याल से आने वाली परिस्थितियों पर विचार होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी उस समय विपक्ष ने बहुत कहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए, भाजपा को दिया जाए, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस तो परंपराएं तोड़ने में माहिर है, संविधान और कानून का उल्लंघन करने में माहिर है। हमने सदैव कानून और संविधान का पालन किया है, परंपराओं को भी हमारी तरफ से पालन करवाने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन जो पार्टी अपने सबसे पुराने राजनीतिक दल होने का दंभ भरती है उसे भी सोचना चाहिए कि जो परंपराएं भारत की संसद में विधानसभाओं में स्थापित हुई है उनको पालन करने में न सिर्फ सहयोग करे बल्कि उन परंपराओं के पालन को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करे। बिल्कुल, और स्पीकर को लेकर अब ये आर पार की लड़ाई है, कल चुनाव होगा। सरमन सर, अब जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं डिप्टी स्पीकर को लेकर भी हमने देख सुना था कि सरकार सत्ता पक्ष की ओर से यही कहा गया कि स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो ये पद किसी पार्टी का या किसी पक्ष का नहीं होता है, हाउस का होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो लगातार चुनाव ये जो रार है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में वो लगातार ठनी हुई नजर आएगी सदन के अंदर भी, चाहे मुद्दा फिर आगे कुछ भी हो। कहने का विषय हो सकता है कि वो हाउस का होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये सच्चाई भी है, लेकिन यदि डिप्टी स्पीकर यदि इंडिया गठबंधन का रहेगा और कभी अवसर आएगा कि अध्यक्ष महोदय इंडिया से बाहर हैं या वो अस्वस्थ हैं और यदि अनुदानों की मांगें पारित हो रही हैं या कुछ आर्थिक मसलों पर कोई वोटिंग हो रही है तो उस समय डिप्टी स्पीकर तो चूंकि विपक्ष का रहेगा तो सरकार के गिरने का संकट रहता है। एक दूसरा, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का महत्व ये रहता है कि जो पॉलिटिकल जो एक कार्यमंत्रणा समिति रहती है पार्लियामेंट की, उसमें दोनों दलों सारे दलों की सहमति के बनाते हुए फिर वो आगे की कार्रवाई का संचालन करते हैं, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सारे सदस्यों की, सारे राजनीतिक दलों के मेंबरों की, उसमें से एक कमेटी बनती है, उनकी सहमति के आधार पर हाउस कितने दिन चलाना है, क्या करना क्या नहीं करना। अब मैं आता हूँ दूसरे विषय पर। सर मैं आऊंगी लौटूंगी आपके पास, आपके दूसरे विषय को कंप्लीट हम सुनेंगे दर्शकों के साथ क्योंकि महत्वपूर्ण बातें आप शेयर कर रहे हैं। यहाँ एक आशीष जी के पास छोटा सा सवाल लेकर मैं जाना चाहती हूँ। आशीष जी, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं मध्य प्रदेश में, तो खैर यहाँ पर विपक्ष की मौजूदगी ना के बराबर ये सिर्फ अब सड़क पर या डिबेट शोज तक ही सीमित देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम लोकसभा की यहाँ बात करते हैं, यहाँ लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह से बिल्कुल लोहा लेकर विपक्ष लगातार जनता के बीच संदेश देना चाहता भी है कि सरकार सुरक्षित नहीं है, भले ही कितना भी दिखाने की कोशिश की जाए ये हंग असेंबली है, इसका मतलब सरकार हर वक्त असुरक्षित बनी हुई है। सुरक्षित है, संसद भी सुरक्षित है और हमारा बहुमत भी सुरक्षित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्री पोल अलायंस था, चुनाव पूर्व हमने गठबंधन किया, एनडीए जिसकी रचना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जॉर्ज फर्नांडिस जी के समय की गई, वो एनडीए आज तक काम कर रहा है और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि एनडीए सहमति के साथ सदन को चलाएगा। और जहां तक बात है कि मोदी जी की सरकार स्थायी नहीं है, मोदी जी का नेतृत्व न सिर्फ स्थायी है बल्कि उनके नेतृत्व में दम है और जहां पर नेतृत्व मजबूत होता है, नेतृत्व के प्रति सहयोगी दलों से लेकर सब में विश्वास होता है, वहां सरकार गिराना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं
अभी चाहे हमारा नंबर 292 हो, लेकिन आप देखते जाइए जैसे जैसे कारवा बढ़ता जाएगा और सांसद इस कारवा में शामिल होते चले जाएंगे, क्योंकि देश की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है। भाजपा की सीटें कुछ कम चाहे रही हो, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व वो नेतृत्व है जो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है और समर्थ है। कांग्रेस का नेतृत्व यदि बात आती तो ये ना अपना प्रधानमंत्री तय कर पाते, ना स्पीकर तय कर पाते, ना मंत्रालय तय कर पाते। ये तो एक स्वार्थ का गठबंधन था जो केवल चुनाव में भाजपा को हराने के लिए बना था, और इन्होंने अपना हश्र भी देख लिया है। और मैं कह सकता हूं कि ये सरकार पूरी दमदारी से 5 साल चलेगी, और जो काम 2047 के भारत को दृष्टिगत रखते हुए मोदी जी ने जो रोड मैप तय किया है, उस रोड मैप पर सफलतापूर्वक चलते हुए 2029 तक आपकी बातों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता का हम इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से दे रहा है, दुरुस्त है। रवि सक्सेना जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस डिबेट में। जी रवि जी, आप नहीं जानते कितना सुन पाएंगे कितना नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो स्पीकर पर ये आर पार मची हुई है, क्यों विपक्ष को अपना उम्मीदवार उतारने की नौबत आ गई? नहीं, ये बात तो आप मोदी जी से पूछिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि सहमति से सरकार चलाना है, कॉन्शियसनेस से सरकार चलाना है, और सब विपक्ष रोकने चाहेंगे। आपको बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ही, अरविंद केजरीवाल की। फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट से झटका लगा है, ईडी की याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल जेल में ही रहेंगे, हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, और अब जेल में ही फिलहाल रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। राउज एवेन्यू के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राउज एवेन्यू की ओर से बेल मिल गई थी, लेकिन ईडी ने कहा था कि हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना गया, और इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील पक्ष की ओर से कहा गया था कि 7 घंटे का समय मिला था ईडी को, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने ईडी की बात को सुनने के लिए पूरा समय दिया, और अभी फिलहाल राउज एवेन्यू के फैसले पर रोक लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। यानी कि अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और समर्थकों को, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी हुई। फिलहाल जेल में ही अरविंद केजरीवाल रहेंगे, हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर कर दिया है। तो पूरी जानकारी हाईकोर्ट ने क्या कहा हम आपको देंगे, कि हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर करते हुए क्या टिप्पणी की है, किस तरह से आज की ये पूरी सुनवाई में ये फैसला दिया गया कि अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शंकर बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे इस वक्त की ये बड़ी खबर कही जा सकती है, और जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है, और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा एक सेटबैक जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से फैसला सुनाया गया है इसके मुताबिक अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी जो रोक है वो अब जारी रहेगी, और जिस तरह से ईडी के द्वारा तमाम दलीलों को रखा गया, तमाम साक्ष्य और सबूतों के बारे में कोर्ट को बताया गया, और दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी की जमानत याचिका के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जो जारी जो है रोक जो है उसके बारे में ऐलान किया गया, और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। और 20 जून को निचली अदालत में जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के जो फैसला था उस मामले पर बाद में जब ईडी ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल जेल में रहना होगा। शंकर बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और वापस हम बात करते हैं स्पीकर पर किस तरह से आर पार है, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब ले लेते हैं। रवि जी आपसे जवाब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं देखिए, मैं तो केवल आपको एक बात कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको सहमति से काम करना है, हमको देश को के विकास को आगे बढ़ाना है, और सारे विपक्ष को निवेदन करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, और दूसरी तरफ यह है कि वो
जब उपाध्यक्ष पद की बात आती है तो विपक्ष ने जब कहा कि भाई ये परंपरा है कि लगातार, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद, पिछला कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो लगातार ये परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी या कोई और विपक्षी दल होता था उसके उसको उपाध्यक्ष का पद दिया जाता था और वही मांग की। ये तो कोई बहुत ऐसी मांग नहीं थी कि जिसको मानने में मोदी जी को बहुत तकलीफ होगी या मोदी सरकार को बहुत तकलीफ होगी। एक तरफ तो राजनाथ जी कहते हैं कि हम जो है इस पर बात करेंगे, पर दूसरे दिन जो है वो बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। तो खड़गे जी उनकी बात का जवाब सुनने के लिए तैयार बैठे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है उस पर सारे लोगों का संशय रहता है, क्योंकि मोदी सरकार का इतिहास रहा है कि उन्होंने जो कहा है वो कभी किया नहीं है, जो दिखाया है वो कभी हुआ नहीं है, और जो उन्होंने जुमलेबाजियां बाद में कह दी, चाहे 15 लाख का मामला हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, चाहे सबके घर पे छत देने का मामला हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने का मामला हो, कोई भी आप इनका बात उठा के देख लीजिए, अपनी बात पे कायम रहते ही नहीं है। इसीलिए लोगों को इनकी बात पर विश्वास नहीं है और कहा कि आप जो है पहले ये कहिए कि उपाध्यक्ष का पद जो है हम विपक्ष को देंगे, तो इसमें ऐसी बात क्या है, कर दीजिए। पर अगर आपकी नियत नहीं है, अगर आपकी नियत में खोट है, तो निश्चित रूप से हम आपके सामने अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे और आपको बता देंगे कि विपक्ष इस बार कमजोर नहीं है जी, वो आपकी हर चाल का जवाब देने में सक्षम है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार ही गिर जाए जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हुआ था। जवाब तो इसलिए इन बातों का उनको संज्ञान लेना चाहिए। बहुत आए गिराने वाले, जो इस सरकार को गिराना चाहते थे वो खुद अपनी स्थिति देखें आज कहां पहुंच गए हैं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रारंभिक काल में थी, लेकिन आज लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का गौरव हमारी पार्टी को प्राप्त हुआ है। इसके दल के कहने से कोई बैसाखियों के सहारे पे सरकार बना ली और उस पर आप इतना अभिमान और घमंड कर रहे हैं, वाह क्या बात है आपकी। कहा तो 400 सीट की बात थी। बाद आप तीनों का ही चर्चा में शामिल होने के तो स्पीकर पर आर पार है। ये चुनाव कल होगा और देखना यह होगा कि नतीजा क्या रहता है, हालांकि सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।